हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ बलिया जिला के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे एक लाल कलर का बटन दिखाई दे रहा होगा, उसे आप क्लिक कर दीजिए, और जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे उसके सामने एक बेल का आइकन आएगा, उसे भी दबा दीजिएगा। इससे क्या होगा दोस्तों कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास उसका नोटिफिकेशन यानी कि संदेश चला जाएगा। दोस्तों, बलिया जिला, यह जिला भारत देश के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से एक जिला बलिया जिला है। यह जिला पहले गाजीपुर जिले का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 1 नवम्बर 1889 ईस्वी को इस जिले का गठन कर दिया गया, जब गाजीपुर जिले का बंटवारा हो रहा था तब। इस जिले के आसपास जिलों के नाम इस प्रकार है। उत्तर दिशा की ओर उत्तर प्रदेश का देवरिया जिला, पूर्व दिशा की ओर बिहार राज्य का भोजपुर जिला, दक्षिण दिशा की ओर बिहार का बक्सर जिला, और पश्चिम की ओर उत्तर प्रदेश का गाजीपुर जिला व मऊ जिला से घिरा हुआ है। यह जिला आजमगढ़ डिवीजन के अंतर्गत आता है। बलिया जिला में 6 तहसील, 17 ब्लॉक, 3 लोकसभा, 7 विधानसभा, 352 डाकघर, 31 पुलिस स्टेशन, 2 नगर पालिका, 8 नगर पंचायत, 834 ग्राम पंचायतें, 12 शहर और 2320 गांवों में बटा हुआ है। और बात करें क्षेत्रफल की तो इस जिले का क्षेत्रफल 1981 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस जिले में कुल परिवारों की संख्या 4,80,265 के करीब है, और बात करें आबादी की तो इस जिले का आबादी 32,45,000 के करीब है, जिसमें पुरुषों की कुल आबादी 16,78,000 और महिलाओं की आबादी 15,68,000 के करीब है। इस जिले का लिंगानुपात 938 के करीब है, यानी कि 1000 पुरुषों पर 938 महिला हैं। इस जिले में हिंदू धर्म की आबादी 30,00,000 के करीब है, यानी कि 92%, और मुस्लिम धर्म की आबादी 2,45,000 के करीब है। शिक्षा की बात करें तो इस जिले में कई ऐसे स्कूल व कॉलेज हैं जिससे बलिया जिला के वासी अच्छी तरह से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इस जिले की साक्षरता दर 71% के करीब है, यानी कि यहाँ की आबादी के अनुसार यहाँ के लोग 71% पढ़े लिखे हैं, जिसमें कि पुरुषों की साक्षरता 81% के करीब तथा महिला की आबादी के अनुसार 19% के करीब है। बलिया जिला के 32,45,000 की आबादी में 19,52,000 लोग पढ़े लिखे हैं, जिसमें पुरुष 11,38,000 तथा महिला 8,14,000 पढ़ी लिखी हैं। इस जिले के महत्वपूर्ण कॉलेजों के नाम इस प्रकार हैं। श्री मुरली मनोहर पीजी कॉलेज, श्री यमुना लाल डिग्री कॉलेज, गांधी कॉलेज, ये सभी कॉलेज इस जिले में स्थित है। इस जिले के मुख्य नदी का नाम गंगा नदी व घाघरा नदी है। गंगा और घाघरा नदी के किनारे पर बसा यह जिला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से महज 281 किलोमीटर तथा देश की राजधानी दिल्ली से 915 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। और बात करें व्यवसाय की तो इस जिले की आबादी के अनुसार यहाँ के 10,00,000 लोग काम करने वाले हैं, यानी कि वर्कर हैं, जिसमें पुरुष और महिला दोनों शामिल हैं। इस जिले का मुख्य व्यवसाय खेती भी है। यह जिला काफी हद तक खेती अर्थव्यवस्था पर निर्भर करता है। गंगा व घाघरा नदी के किनारे पर बसे होने के कारण यहाँ की मिट्टी काफी उपजाऊ है। यहाँ के मुख्य फसलों का नाम इस प्रकार है, धान, गेहूं व मक्का। इस जिले में सूती वस्त्र व चीनी मिल के कई कारखाने हैं, जिसे यहाँ के लोग अपना जीवन यापन करते हैं। और घूमने की बात करें तो यहाँ की बहुत सारे ऐसे खूबसूरत जगह हैं जहाँ पर लोग अपना घूमकर आनंद ले सकते हैं। और बात करें सड़क व्यवस्था की तो यहाँ की सड़कें कई छोटे बड़े शहरों के साथ साथ उत्तर प्रदेश के कई बड़े शहरों से भी जुड़ी हुई है। इस जिले के माध्यम से नेशनल हाईवे संख्या 19 गुजरती है।
यह जिला बस के माध्यम से भी शहर के कई छोटे बड़े गांवों और बड़े शहरों से भी जुड़ी हुई है। और बात करें रेलवे की तो इस जिले के रेलवे स्टेशन के नाम रेलवे स्टेशन बहुत सारे हैं, जिसमें रेलवे स्टेशन का नाम बलिया रेलवे स्टेशन, रसड़ा रेलवे स्टेशन। इस जिले का स्टेशन कोड BOI है। यह रेलवे स्टेशन नॉर्थ ईस्ट जोन के वाराणसी डिवीजन के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे एक लाल कलर का बटन दिखाई दे रहा होगा, उसे क्लिक कर दीजिए और साथ में बेल का आइकन आएगा उसे भी दबा दीजिएगा।